माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई एम राइटिंग हियर लाइन डी बिकॉज आई हैव गिवन यू बी एंड सी. दीज लाइन्स आर क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज Why did Yudhishthir ask for Nakul's revival? अर्थात युधिष्ठिर नकुल के को जीवित करने के लिए क्यों कहा? आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इज युधिष्ठिर asked for Nakul's revival because he was having the son of Kunti. वह कुंती के एक बेटे जीवित है. ही वांटेड टू रिवाइव नकुल आल्सो द सन ऑफ माद्री. वह माद्री के भी एक बेटे को जीवित करवाना चाहते थे. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप. ये धर्म छोड़ देता तो क्या घटना होती. इफ धर्म इज गिवेन अप मैन विल बी रूइंड. यदि धर्म साथ छोड़ दे तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा. रूइंड मींस नष्ट हो जाएगा. इन दिस वे हु वाज नकुल. नकुल कौन थे? नकुल वाज द एल्डर सन ऑफ माद्री द सेकंड वाइफ ऑफ पांडु. पांडु के दूसरे पत्नी माद्री के पहले बेटे थे. दो बेटे थे माद्री के, नकुल एंड सहदेव. देयर आर टू सन्स. नकुल वाज द एल्डर सन ऑफ देम. सो ही वांटेड टू रिवाइव नकुल. व्हिच वर्ड इन द पैसेज हैव द सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मीन्स समानार्थी शब्द विच वी से इन हिंदी पर्यायवाची. प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा बचाव. तो शील्ड द सिनोनिम्स ऑफ प्रोटेक्शन इज शील्ड. शील्ड मीन्स भी सुरक्षा. डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है बर्बाद करना, नष्ट कर होना. तो उसका दैट्स सिनोनिम इज रूइंड. रूइंड नहीं कहते हैं, रूइंड. आर यू आई एन ई डी रूइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी अपान वन. बी खंड का फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स में दीज आंसर आर यू विल राइट इन 60 वर्ड्स. क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर युधिष्ठिर. व्हाई वाज ही इन एंग्जायटी. एंग्जायटी वह चिंतित क्यों थे? युधिष्ठिर कौन थे और वह चिंतित क्यों थे? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडु एंड कुंती. युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जायटी एंड थर्स्ट बिकॉज ही थॉट दैट दे वुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स. आर दे स्टिल wandering about in the forest in search of water. इसका मतलब यह हुआ युधिष्ठिर इसलिए चिंतित थे कि वह किसी इस प्यास से व्याकुल होकर के कहीं वह किसी के शिकार तो किसी अभिशाप के शिकार तो नहीं हो गए या पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं. यही इनको चिंता सता रही थी. कैन दे हैव
fainted, फेंट नहीं, fainted or died or first unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, प्यास की व्याकुलता से he gave up waiting, वह प्रतीक्षा छोड़ दिए, त्याग दिए. That's all. And you will write, all of you write answer of question B upon 3, 4, 5 also. You will write answer of B upon 3, 4, 5 in 60 words, about 60 words. Try to write, you should always try to write answers of questions from your books with the help of your books. That's all. I said to you again and again that you will always active to your subject. That's all.